मैं बैंक के काम से निकला था और मैं बिल्कुल सेफ प्लेस पे था और वो कोई कार वाला आया, वो मोबाइल पे बात कर रहा है व्हाइट कार में, और मुझे यहाँ पे पीछे बैक पे इतनी जोर से हिट किया, उतनी जोर से हिट किया कि मेरी पैर की हड्डी टूट गई, 6 जगह फ्रैक्चर हुआ है पैर में। तो पूरा जब से लगा हुआ है, पूरा परिवार आप समझिए तब से बिजी है मेरे साथ में, मेरे घर पे भी और हॉस्पिटल में भी। आप भी पहला ऑपरेशन हुआ था 10 नवंबर को और पैर में दोबारा ऑपरेशन हुआ है 24 जनवरी को, और 3 महीने से बेड पे ही है और मैं बेड पे ही हूँ जब से। सर आप एक संदेश लोगों के लिए जो इस तरह से जो हिट एंड रन जो होता है जो करते हैं, और जो मतलब आपकी तो कोई भी गलती नहीं थी फिर भी आपके साथ ये हादसा, मैं तो पैदल ही था जी, मैं पैदल था। तो आप ऐसे, आप पैदल थे जी, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं संदेश यही कहना चाहता हूँ कि लोग जब भी चलें तो बहुत और ज्यादा सावधानी बरतें, बिल्कुल सावधानी बरतें, क्योंकि ट्रैफिक वालों का कुछ पता नहीं कि कार वाले कार चला रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, किस ढंग से चला रहे हैं। मतलब आपकी गलती हो ना हो, आप दूसरे क्या क्या गलती करते हैं इसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा, अगर अपनी जान बचानी है तो बचानी है। लेकिन एक संदेश उनके लिए भी है कि जो जब एक्सीडेंट करते हैं उनका भी थोड़ा मॉरल कर्तव्य बनता है, अपनी गाड़ी को रोकें और घायल आदमी को उठाएं और उसको उचित मेडिकल एड के लिए तुरंत ले जाएं अपने साथ ही। ये हिट एंड रन वाली पोजिशन खत्म होनी चाहिए, लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए, उस समय ये सोचना चाहिए कि हम इसकी कैसे मदद करूँ। अभी एक्सीडेंट तो मैंने कर ही दिया, लेकिन उसकी मदद करूँ कैसे करें, इस समय इसको जो मदद चाहिए वो तो पहुंचाऊं कम से कम मैं। तो उससे जिसके चोट लगती है उसके मन में भी उसके प्रति दया पैदा हो जाएगी,